हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज हम लोग कुछ ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में देखने वाले हैं जो मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं सो so, सबसे पहले हम टर्म की बात करते हैं डिप्सनिया डिप्सनिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ये ज़्यादातर आपने अस्थमा एंड ओ के पेशेंट्स में देखे होंगे नेक्स्ट टर्म है हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया का मतलब होता है डिक्रीज ऑक्सीजन इन टिश्यूज़ टिश्यूज़ में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो वो स्टेट को हम हाइपोक्सिया कहते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपॉक्जेमिया हाइपोक्जेमिया का मतलब होता है डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने की वजह से हाइपोक्जेमिया टर्म बोला जाता है नेक्स्ट हम बात करते हैं असाइटिस असाइटिस का मतलब है एक्यूमिलेशन ऑफ फ्लूड इन पेरिटोनियल कैविटी पेरिटोनियल कैविटी ये हमारे एब्डोमेन में होती है जब इसमें फ्लूड जमा हो जाता है तो वो टम को हम असाइटिस कहते हैं नेक्स्ट हम कुछ ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ पे बात करने वाले हैं जो मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं सबसे पहले हम टर्म की बात करते हैं आईटीस आईटीस वर्ड ये इन्फ्लेमेशन को डिनोट करता है तो इन्फ्लेमेशन के सबसे ज़्यादा चार कॉमन साइन हैं वो है पेन स्वेलिंग रेडनेस एंड वाम्ट वॉमट का मतलब हीट तो ये चारों साइन आपको तब दिखेंगे जब इन्फ्लेमेशन होगा तो इसमें हम बात करते हैं ऐसे ही इन्फ्लेमेशन टर्म्स जो मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं सबसे पहले बात करते हैं अपेंडिसाइटिस की अपेंडिसाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स अपेंडिक्स में जब इन्फ्लेमेशन होगा वो टर्म को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं नेक्स्ट बात करते हैं अर्थराइटिस अर्थराइटिस मतलब जितने हमारे जॉइंट्स हैं जॉइंट्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है जोड़ों में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वो टर्म को हम अर्थराइटिस कहेंगे नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉन्चाइटिस तो ब्रॉन्चाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स जो भी हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो टम को हम ब्रॉन्चाइटिस बोलेंगे नेक्स्ट कोला कोलाइटिस तो कोलाइटिस इज़ रिलेटेड विद द टम कोलॉन कोलॉन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो वो टम को हम कोलाइटिस कहते हैं नेक्स्ट बात करते हैं पेनक्रियाटाइटिस पेनक्रियाज़ में इन्फ्लेमेशन है तो वो टम को हम पेनक्रियाटाइटिस बोलेंगे नेक्स्ट इज एनसेफेलाइटिस एन्सेफेलाइटिस टम ये ब्रेन इन्फ्लेमेशन को डिनॉड करता है ब्रेन में अगर इन्फ्लेमेशन हो तो वो टम को हम एनसेफेलाइटिस बोलेंगे नेक्स्ट इज कंजक्टिवाइटिस कंजक्टिवाइटिस दैट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा कंजक्टिवा ये हमारे आइस की एक कवरिंग है अगर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो ये टम को हम कंजक्टिवाइटिस बोलेंगे नेक्स्ट बात करते हैं गैस्ट्राइटिस गैस्ट्राइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक स्टमक में इन्फ्लेमेशन होगा तो वो टम को हम गैस्ट्राइटिस बोलेंगे नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस हेपैट इट्स डिनोट्स द लीवर लीवर रिलेटेड है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इसे हेपेटाइटिस कहते हैं नेक्स्ट इज कोलेसिस्टाइटिस कोलेसिस्टाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर जैसे हिंदी में पित्ताशय की थैली भी बोलते हैं अगर पित्ताशय की थैली में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो टम को कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं नेक्स्ट इज अल्जिया अल्जिया टम के बारे में बात करें तो अल्जिया पेन को डिनोट करता है तो पेन रिलेटेड है अर्थरेल्जिया है तो जॉइंट पेन है सेफेल्जिया है सेफेलिक दैट इज़ ब्रेन को डिनोट करता है तो ब्रेन में अगर पेन हेडेक से रिलेटेड है तो हेडेक अगर है तो सेफेल्जिया बोलता है माइलजिया माइलजिया डिनोट्स दी मसल पेन न्यूरलजिया, न्यूरलजिया का मतलब है नर्व पेन नेक्स्ट हम बात करते हैं मैगेली टम पे मैगेली का मतलब होता है साइज़ इंक्रीज़ हो जाना तो अगर मैगेली है तो स्प्लीन की साइज इंक्रीज़ हो जाना मैगेली है तो नेफ्रो नेफ्रॉन से रिलेटेड है वो किडनी में आता है तो किडनी की साइज़ इंक्रीज हो जाना हिपैटोमेगी दैट इज़ इंक्रीज ऑफ लीवर हिपैटिक लीवर से है तो लीवर की साइज़ इंक्रीज़ हो जाने को हिपैटोमैगेली बोलता है नेक्स्ट हम हाइपो एंड हाइपर टर्म के बारे में बात करते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला टर्म है हाइपो का मतलब होता है वैल्यू डिक्रीज़ होना और हाइपर का मतलब होता है वैल्यू इंक्रीज होना तो इसके लिए मैंने एक चार्ट दिखाया है आप देख सकते हैं चार्ट में हाइपर कैल्सीमिया है तो कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होना हाइपो कैल्शियम कैल्सीमिया है तो कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ होना हाइपर है तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होना और हाइपो है तो ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ होना हाइपर टेंशन है तो बीपी इंक्रीज़ होना और हाइपोटेंशन है तो बीपी डिक्रीज होना हाइपर लिपेडेमिया है तो लिपिड लेवल इंक्रीज होना होता है और हाइपर लिपिडेमिया है तो लिपिड लेवल डिक्रीज होना होता है वीडियो में हमने जितने भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज थी वो सारी देखी आगे भी और भी मेडिकल टर्मिनो टर्मिनोलॉजीज मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर अपलोड करूँगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फर्गेट टू तो सब्सक्राइब द चैनल